शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत रहीम और रहम करने वाला है। डाइस पर तशरीफ़ फरमा, मौजूद ख़वातीन और मौजूद सामाइन, फातिर हज़रात, आज का ये एहतजाजी जलसा हिंदुस्तान में मुल्की पैमाने पर इस जालिम व जाबिर हुकूमत के ख़िलाफ़ जो एक आम जहन बन गया है आवाम का, उस सिलसिले की एक कड़ी है। और हम लोग बहुत काफ़ी अर्थे थे ये कहा करते थे कि अभी आगे और लड़ाई है, तो लड़ाई का हिस्सा हर तहरीक में हमेशा मद हजरात हुआ करते थे, लेकिन ये एक ऐसा मूवमेंट है कि जिसमें हमारे घरों की पर्दा नशीन ख़वातीन ने हिस्सा लेकर एक तारीख रकम कर दी है। हम इस सिलसिले में आप सबको बेपनाह दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। और ये याद रखिए कि जिस तहरीक में मर्दों के शाना बशाना अगर ख़वातीन अपने घरों को छोड़कर बाहर निकल आएँ, तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को उसके आगे फिर झुकना ही पड़ेगा। चाहे जितनी जालिम हुकूमत हो, चाहे जितनी आवराना हुकूमत हो, चाहे उसके अंदर जितना भी जुल्म तशद्दुद करने का उसको अपना अख्तियार हो, लेकिन वो तमाम अख्तियारात हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं जिस वक्त हमारे घर की माएँ बहनें बाहर निकल कर सड़कों पर एहतजाज करती हैं। आशाइन माँ हो या जंतर मंतर का ये मकाम हो, ये इस बात की दलील है कि अब इस मुल्क में जिस तरह से पहले सिर्फ 5 औरतों के कहने पर 5 करोड़ ख़वातीन ने जो मेमोरेंडम दिया था, उसको बालाए ताक करके इस मोदी हुकूमत ने ट्रिपल तलाक का बिल लाकर हमारे सीने पर मूंग दला था, फिर भी हम खामोश रहे थे, इतना इंतजार हम नहीं कर सके थे। उसके बाद कश्मीर के ताल्लुक से जिस तरह से इस हुकूमत ने राज्यसभा के अंदर जो मेंबरान पार्लियामेंट थे उनको डरा धमका कर उस बिल को पास करवाया, वो भी आपके सामने के नज़ीर है। और उसके बाद आज आप और हम ये सब देख रहे हैं कि जिस तरह से अब हमको दूसरे क्लास का शहरी बनाने की कोशिश की जा रही है, और जिस तरह से मुल्क में हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफरत पैदा करके अपनी हुकूमत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करने की कोशिश की जा रही है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान जिसको बनाए जाने के लिए हमारे काबरीन ने बेपनाह मेहनत की थी, दस्तूर साज असम्बली में बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस पर बहस हो मुबहसा होने के बाद हिंदुस्तान के हर शहरी के हकूक़ क्या है, उस पर इस संविधान को, इस आइन को बनाया गया था। और आर्टिकल 14 नंबर की जो दफ़ा है हमको इस बात की कतई इजाज़त देती है कि इस मुल्क में रहने वाला हर शहरी उसको अपने मजहबी हकूक़ की पूरी आज़ादी होगी, और जो भी हुकूमत हमारी इस आज़ादी को सल्ब करने की कोशिश करेगी तो आप ये याद रखिए कि वो हुकूमत कभी अपने वजूद को बाकी नहीं रख पाएगी। और आज ये इस बात की, हमारा ये एहतजाज इस बात की गमबाजी करता है कि इस मुल्क में अब सिर्फ मुसलमान बेदार नहीं है, बल्कि मुसलमानों के साथ आदिवासी भी बेदार हैं, मुसलमानों के साथ दलित भी बेदार हैं, मुसलमानों के साथ वो अति पिछड़ा वर्ग भी बेदार है, जिसको ये नज़र आ रहा है कि अगर ये NRC या NPR और या CAA अगर इसको पूरी तरह से नाफिज कर दिया गया, तो इस मुल्क का आइन ही नहीं ख़त्म होगा बल्कि मुल्क का वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। जिनको ये कहते हैं कि हमको ये घुसपैठिया कहते हैं, बांग्लादेश ने जब इनसे पूछा, जब अभी उनकी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद यहाँ तशरीफ़ लाई थी, तो उन्होंने पूछा तो बाकायदा तौर पर पूरी गारंटी दी थी यहाँ की हुकूमत ने, क्लीन चिट दिया था कि हम किसी को बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन आज जो होम मिनिस्टर हिंदुस्तान का, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर है, मैं समझता हूं कि आज तक इतनी ज़्यादा मगरूर और इतना मतकब्बिर हुकूमत कभी हिंदुस्तान के सरजमीन पर वजूद में नहीं आई है। इसलिए इस हुकूमत को खाल फेंकना, इसके तमाम आमराना पॉलिसियों की इस वक्त मुखालफत करना,
हुकूक लिबाद की अदायगी होगी। हमारे आपके कानों पर जो जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने हुकूक लिबाद की अदायगी के ताल्लुक से रखा है, हम बंदों के हुकूक के खातिर अपने और अपने इस मुल्क के गरीबों को, पसमानदा और जो मिलत का शवाम है, इनके हुकूक की बाजियाबी के लिए इस मुल्क में मुत्तहिद होकर इस हुकूमत को उखाड़ फेंकने की कोशिश करेंगे। यही हमारा नज़्मुल ऐन होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जंतर मंतर की सरजमीन पर ये बुरका पोश खवातीन, ये हमारी बच्चियाँ, ये हमारी माएँ, ये हमारी बहनें अपने घरों से निकल कर इस बात का एहतजाज करने आए हैं कि हम जालिम के आगे कभी झुकना नहीं जानते हैं। कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, खाके सहरा पे जमे या कफे कातिल पे जमे, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इसलिए हुकूमत हिंद को मिटाने के वास्ते हम आपके अजायम के साथ शाना बशाना है। और इंशा ताला अब ये इस बात की आपका एहतजाज दलील हो गया है कि इस मुल्क में मोदी हुकूमत का वजूद अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं जुदा होता हूँ। अल्लाह हाफिज। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।